बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। आज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर स्टडी करने हैं और उनकी डिवीजन किस तरह है। तो सेकंड ईयर की बुक के टोटल 16 चैप्टर्स हैं। इसमें हम केमिस्ट्री की मेजर दो ब्रांचेस के मुताबिक स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम चैप्टर्स की डिवीजन देखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 to 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, चैप्टर नंबर 7 to 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, चैप्टर नंबर 14 मैक्रो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है जिसमें ज़्यादातर बायोपॉलीमर्स हैं, उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक के पॉलीमर्स भी हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द चैप्टर ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री, कि ये पॉलीमर केमिस्ट्री का चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के मुतालिक है, जिसमें हम 3 बेसिक इंडस्ट्रीज के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसमें फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है और पेपर इंडस्ट्री है। उसके बाद 16 चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के मुतालिक है, जिसमें हम फैक्टर्स इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट्स एंड दे आर कंट्रोल, इसके मुतालिक पढ़ेंगे। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है बुक सेकंड के चैप्टर्स की, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों के मुतालिक स्टडी करेंगे। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट से शुरू करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के मुतालिक है, जिसको हम आम जुबान में कह सकते हैं कि इट इज़ अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड, विच इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, के जो पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो इस तरह पहले चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल के मुतालिक पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल किस तरह डिवेल्प हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और उसको बेसिकली किस बुनियाद पे शुरू किया गया और फाइनली जो हमारे पास अब एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो किस बेस पे की गई। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से क्या मुराद लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स लफ्ज़ पीरियड इस्तेमाल होता है, पीरियोडिक पीरियड से लिया गया है। पीरियड हम एक इंटरवल, एक वक्फे को कहते हैं, जब कोई चीज़ एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो उसको हम कहते हैं कि ये पीरियोडिकली रिपीट हो रही है और इसमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है। जब एलिमेंट्स की तादाद बहुत कम थी, जो डिस्कवर हुए एलिमेंट्स थे वो बहुत कम थे, तो उस वक़्त उनकी क्लासिफिकेशन की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब उनकी तादाद बढ़ गई तो ये सोचा गया कि अभी इंडिविजुअली हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बड़ा टफ जॉब है और ज़्यादा बेहतर है कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाए, ताकि एलिमेंट्स की स्टडी ज़्यादा सिस्टमेटिक और ज़्यादा आसान हो जाए। तो इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिया गया, जाहिर है कि जब हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो किसी ना किसी बेस पे, किसी ना किसी बुनियाद पे उसको क्लासिफाई करेंगे। अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की तलाश करनी पड़ेगी जिसकी बुनियाद पर हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकें और एलिमेंट्स की बाकी प्रॉपर्टीज़ जिस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेंगी उसको हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टी कहेंगे और उसकी बुनियाद पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। तो इनिशियली एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझा गया। इसकी बुनियाद क्या थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कि अगर हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेजर पॉइंट्स के मुताबिक देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़।
तो यहाँ पे ये बात क्लियर होती है, ये कॉन्सेप्ट सामने आता है कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो इस कॉन्सेप्ट को बुनियाद बना के मुख्तलिफ साइंसदानों ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हमने जो डिस्कस किया उसके मतलब दो डेफिनेशन हमारे सामने आई। पहली डेफिनेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन द मेथड ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, के एलिमेंट्स को सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर ग्रुप्स में तकसीम करना। इस तकसीम करने के मेथड को, तरीके को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और पीरियडिक टेबल क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑब्टेंड एज ए रिजल्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड पीरियडिक टेबल। के इस क्लासिफिकेशन के नतीजे में जो अरेंजमेंट, जो टेबल हमारे पास आता है, उस अरेंजमेंट, उस टेबल को हम कहते हैं पीरियडिक टेबल। अब इसको पीरियडिक टेबल क्यों कहा गया? इसलिए कि इसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर रिशेली तरतीब दिया गया, और ये देखा गया कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास की बुनियाद पर एक ख़ास इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। इस बुनियाद पर इसको पीरियडिक टेबल का नाम दिया गया। अब हम देखते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पीरियडिक टेबल। इसमें हम सब साइंटिस्ट को मेंशन नहीं करते। कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी मन्यूट थी और उनका लिटरेचर में हमें जिक्र नहीं मिलता। सबसे पहली बाकायदा अटैम्प्ट जो की गई, जिस साइंटिस्ट ने की, उसका नाम था अल-राज़ी। अल-राज़ी ने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे तरतीब देने की कोशिश की। उसने एलिमेंट्स को मेजरली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, और वो दो ग्रुप्स कौन से थे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखते थे, मेटल्स थी, उनको मेटल्स के ग्रुप में रख दिया गया। जो नॉन मेटल्स थी, उनको नॉन मेटल के ग्रुप में रख दिया गया। बट देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस क्लासिफिकेशन, कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाया जाता है, एंड दैट वॉज नॉट अ कम्प्रीहेंसिव क्लासिफिकेशन, कि ये एक कम्प्रीहेंसिव क्लासिफिकेशन नहीं थी। उसके बाद जो सेकेंड अटैम्प्ट की गई वो था साइंटिस्ट डॉब्रिनर, जिसने 1829 में एलिमेंट्स को ट्रायड्स की सूरत में क्लासीफाई किया, और उसने अपने असूल को नाम दिया लॉ ऑफ ट्रायड। ट्रायड हम किसे कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन टू ग्रुप ऑफ थ्री इज कॉल्ड ट्रायड। अगर हम एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में तकसीम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, तो वो जो तीन का ग्रुप होगा, उस तीन के ग्रुप को हम ट्रायड का नाम देंगे। ट्रायड को तरतीब देने का असूल उसने क्या बनाया, जिसको कि हम लॉ ऑफ ट्रायड कहते हैं, वो क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द अदर टू। कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर, बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तीन तीन एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप बनाएं जिनमें उन तीन एलिमेंट्स में से जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज हो, तो ऐसे तीन एलिमेंट्स के सेट को हम ट्रायड कहेंगे, एंड दे विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। इसमें पहली एग्जाम्पल हम लेते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है। दोनों को ऐड करें तो 46 बनता है, उसको 2 पे डिवाइड करें तो 23 आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि मिडल वाला एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मास की एवरेज के बराबर है, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रायड, इसको हम ट्रायड कहेंगे।
और इसमें पाए जाने वाले तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल हम लेते हैं ट्रायड की, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, आयोडीन का एटॉमिक मास 127 है। जब हम इन दोनों को ऐड करके इनकी एवरेज लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 80.81 के बराबर आती है। तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो रफली सेम है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है। तो इस तरह इन तीन के सेट में भी मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मास की एवरेज के बराबर है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रायड। लेकिन इस बुनियाद पर देखा गया कि अगर हम तमाम एलिमेंट्स के ट्रायड बनाने की कोशिश करें तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं लेकिन ट्रायड नहीं बनता, और बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ट्रायड बनता है लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। तो इस तरह इस असूल की बुनियाद पर भी हम तमाम एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते। हाँ जी, तो हमने यह देखा कि सबसे पहले अराजी, फिर डोब्रिनर, अब तीसरे नंबर पे आता है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पे तरतीब दिया और 8-8 के ग्रुप्स में तरतीब दिया, और उसने जो प्रिंसिपल वजा किया, जो लॉ पेश किया, उसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट विल बी सिमिलर टू द फर्स्ट वन। कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब देते हैं तो हर 8वें एलिमेंट की, 8 के बाद 9वां नहीं हम कह रहे हैं, एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह अगर हम एलिमेंट्स को तरतीब देते जाएंगे तो हॉरिजेंटल लाइंस बनती जाएंगी जिनको हम पीरियड कहेंगे, और वर्टिकल कॉलम्स बनते जाएंगे जब एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे आएंगे, वर्टिकल कॉलम्स बनते जाएंगे उनको हम ग्रुप्स कहेंगे। तो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ एक्टिव की बुनियाद पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। उसके पहले दो ऑक्टिव तो बिल्कुल ठीक हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर बेटा हम लिथियम से काउंटिंग शुरू करें तो फ्लोरीन 7th एलिमेंट है, 8वां एलिमेंट सोडियम आता है फ्लोरीन के बाद। तो हमने सोडियम को लिथियम के नीचे रखा बिकॉज सोडियम इज द 8th एलिमेंट एंड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट वन, दैट इज लिथियम। उसके बाद दूसरा ऑक्टेव हम सोडियम से शुरू करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम से अगर हम शुरू करते हैं तो 7वां एलिमेंट क्लोरीन है और 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, पोटाशियम। हमने पोटाशियम को फिर लिथियम के नीचे लिख दिया, क्यों, पोटाशियम विल आल्सो शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ लिथियम एंड सोडियम। लेकिन पोटाशियम के बाद नेक्स्ट नंबर आता है कैल्शियम का, यहां तक ऑक्टेव स्मूथली चल रहा है और प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द लॉ रिपीट हो रही हैं। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास के एतबार से देखते हैं तो कैल्शियम के बाद टाइटेनियम का नंबर आता है, एंड टाइटेनियम हैज एब्सोल्यूट डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, एंड वी कैन नॉट प्लेस टाइटेनियम इन द रो ऑफ बोरान एंड एल्युमिनियम।
कि बोरान और अल्मोनियम की रो में उसकी लाइन में हम टाइटेनियम को फिट नहीं कर सकते। अगर हम इसी तरह आगे चलते जाएं तो हम देखते हैं कि इस ग्रुप में प्रॉपर्टीज 8 के बाद रिपीट नहीं होती बल्कि 18 के बाद रिपीट होती हैं। तो मालूम हुआ कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव पहले 2 ऑक्टिव तक तो स्मूथ चलता है, उसके बाद जब हम तीसरे ऑक्टिव में जाते हैं तो उसमें अब नॉर्मेलिटीज आ जाती हैं एंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टिव डज नॉट रिमेन एप्लीकेबल और वो एप्लीकेबल नहीं रहता। सो वी कैन नॉट क्लासीफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टिव, कि हम लॉ ऑफ ऑक्टिव की बुनियाद पर एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो ये थर्ड अटेम्प्ट थी पीरियोडिक टेबल के मुतालिक जो न्यूलैंड ने 1864 में प्रपोज की। उसके बाद 1871 में, 6 years later, 1871 में मेंडलीव साइंटिस्ट था, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप्स और पीरियड्स की सूरत में और अपना एक पीरियोडिक टेबल तरतीब दिया। उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जो असूल अपनाया, जिस प्रिंसिपल की बुनियाद पर उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उसको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या था कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस देन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बुनियाद, बढ़ते हुए एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर की बुनियाद पर तरतीब देते हैं, असेंडिंग मीन इंक्रीजिंग, चढ़ता हुआ ऊपर जाता हुआ, तो अगर हम बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर उसको तरतीब देते हैं तो उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली रिपीट होंगी। अब ये देखें कि अगर हम बेस देखते हैं तो बेस लॉ ऑफ ऑक्टेव की भी वही है एटॉमिक मास और मेंडलीव्स लॉ के भी वही है एटॉमिक मास, लेकिन ऑक्टेव ने एक हद मुकर्रर कर दी एवरी 8th एलिमेंट, मेंडलीव ने वो लिमिट वेव कर दी 8 की। उसने ये कहा कि भाई एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली रिपीट होंगी, दैट इंटरवल मे बी ऑफ 8 एलिमेंट, मे बी ऑफ 18 एलिमेंट, मे बी ऑफ 32 एलिमेंट, मे बी ऑफ 2 एलिमेंट, वो कोई भी हो सकता है। तो इस तरह मेंडलीव ने इस लॉ की बुनियाद पर उस वक्त तक डिस्कवर होने वाले तमाम एलिमेंट्स को बाकायदा टेबल की सूरत दी और एक सिस्टेमेटिक पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया। दैट वाज द फर्स्ट प्रिसाइज्ड एंड सिस्टेमेटिक पीरियोडिक टेबल प्रपोज्ड बाय एनी साइंटिस्ट, के किसी भी साइंटिस्ट से प्रपोज किया जाने वाला, पेश किया जाने वाला ये पहला सिस्टेमेटिक पीरियोडिक टेबल था जिसमें एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया गया और एक बाकायदा टेबल बनाया गया, दैट इज कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगर हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे गौर करते हैं तो उसमें हमें 2 तरह के कॉलम्स नजर आते हैं, वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसको उसने ग्रुप्स का नाम दिया वर्टिकल कॉलम्स, के फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, और हॉरिजेंटल लाइंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं हॉरिजेंटल लाइंस बनती हैं, दीज हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स। तो इस तरह एलिमेंट्स को उसने दो तरह से डिवाइड किया, इनटू डिवीजन इनटू ग्रुप्स एंड डिवीजन इनटू पीरियड्स, और फिर उसने ये कहा कि ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, वह एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, एक जैसी होंगी। सो दैट वाज द फर्स्ट प्रिसाइज्ड पीरियोडिक टेबल
proposed by any scientist. उसके बाद हम देखते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से हमें एडवांटेजेस क्या हुए, उसका हमें फायदा क्या हुआ, उससे हमें क्या कुछ मिला और उसके अंदर डिफेक्ट्स कौन से थे, उसके डिफेक्ट्स क्या थे। तो पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल प्रपोज किए जाने से और एलिमेंट्स को एक खास टेबल में तरतीब दिए जाने से द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स मोर इजी एंड सिस्टमेटिक। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ज़्यादा इजी और ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गई, एलिमेंट्स को स्टडी करना कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं बना था हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ता था, लेकिन जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बना दिया, ग्रुप्स बन गए, तो हमारे पास ये फैसिलिटी आ गई कि अगर हम एक ग्रुप का एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं तो उस ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी स्टडी हो जाती हैं। तो इस तरह द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स बिकम्स मोर इजी एंड सिस्टमेटिक। दूसरा उसका एडवांटेज क्या था, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, के मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में यह इंडिकेशन दी कि देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स स्टिल टू बी डिस्कवर्ड, कि अभी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको डिस्कवर करना बाकी है जो कि डिस्कवर नहीं हुए। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वेकेंट स्पेसेस छोड़ी, जिस तरह आप देखें कि ये थर्ड ग्रुप है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, थर्ड ग्रुप, इसका पहला मेंबर बोरान है, दूसरा एल्युमिनियम है, उसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पे मेंडलीव ने कोई एलिमेंट नहीं लिखा, सिर्फ उनके एटॉमिक मासेस लिखे कि भाई यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास 44 होगा और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास 68 होगा, उसके बाद यट्रियम है, उसके बाद इंडियम है। तो दरमियान में हम देखते हैं कि दो गैप दिए उसने, ये गैप क्यों दिए और ये 44 और ये 68 क्या है। तो ये गैप शो करते हैं कि दीज एलिमेंट्स आर नॉट स्टिल डिस्कवर्ड, कि यहाँ पे एलिमेंट मौजूद हैं लेकिन उनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। उसने उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी प्रिडिक्ट किया कि जहाँ पे जो आएगा उसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 44 होगा और यहाँ पे जो आएगा उसका एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 68 होगा, ले और साथ उसने उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट वही होंगी जो ग्रुप के बाकी मेंबर्स की हैं। तो इस तरह साइंटिस्ट को एक इंडिकेशन मिल गई, जिस तरह भाई हम चलते हुए जा रहे हैं रास्ते में कोई गोल्ड की चीज़ गिरी हुई है, वी डोंट नो अबाउट इट, के रास्ते में या हम कमरे में बैठे हैं कमरे में वो चीज़ गिरी हुई है तो वी विल नॉट सर्च फॉर इट, हम उसकी तलाश नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें ये बता दिया जाए कि भाई आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं इस कमरे में गोल्ड की रिंग गिरी हुई है, तलाश कर लो, जिसको मिल जाएगी उसकी है, तो हम उस कमरे से निकलेंगे ही नहीं, हम उसको तलाश करते रहेंगे जब तक वो मिलेगी नहीं। तो इसी तरह मेंडलीव ने इंडिकेशन दी साइंटिस्ट के लिए कि भाई देयर आर स्टिल एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड, कि अभी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनको डिस्कवर किया जाना है, और उनकी उसने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह भी रखी और उनका एटॉमिक मास भी प्रिडिक्ट किया। तो इस तरह साइंटिस्ट को एक इंसेंटिव मिला कि भाई और एलिमेंट्स हैं उनके मतलब स्ट्रगल की जाए, उनके मतलब कोशिश की जाए। तो एलिमेंट्स ने साइंटिस्ट ने स्ट्रगल की और नए एलिमेंट्स दरियाफ्त किए। उसकी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जर्मेनियम जिसका के उसने एटॉमिक मास भी बताया और उसकी कैरेक्टर्स उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई और उसकी पीरियोडिक टेबल में जगह भी बताई। इसी तरह हमने एग्जांपल ली स्कैंडियम और गैलियम, इनका
उसने एटॉमिक मास भी बताया और इनकी प्रॉपर्टीज भी बताई। जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो देखा गया कि इनका एटॉमिक मास भी अप्रोक्सीमेटली वही है जो मेंडलीव ने बताया था और इनकी प्रॉपर्टीज भी वही हैं जो मेंडलीव ने मेंशन की थी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मेंडलीव पीरियाडिक टेबल गिव द प्रडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स, कि उसने हमें नए एलिमेंट्स की प्रडिक्शन दी कि दे आर स्टिल न्यू एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट इसका एडवांटेज हमें क्या मिला, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, के कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो उस वक्त मालूम किए गए थे वो सही नहीं थे। मसलन जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल तरतीब दिया तो उसने बेरिलियम को बोरान और कार्बन से पहले रखा। अब अगर हम एटॉमिक मास देखते हैं जो उस वक्त बेरिलियम का डिस्कवर किया गया था, मालूम था, तो वो क्या था, दैट वाज 13.5। अब ये 13.5 एटॉमिक मास बोरान और कार्बन दोनों से ज्यादा है, तो बेरिलियम की प्लेस बोरान और कार्बन के बाद आनी चाहिए, लेकिन मेंडलीव ने बेरिलियम को इनसे पहले लिखा और ये इंडिकेट किया कि भाई इसका एटॉमिक मास 13.5 नहीं है, इसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, इसका एटॉमिक मास लाजमी तौर पे बोरान से कम है और ये बोरान से पहले आएगा। तो जब बेरिलियम का एटॉमिक मास दोबारा एक्यूरेटली मालूम किया गया तो पता चला कि भाई बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 नहीं है बल्कि इसका एटॉमिक मास 9 है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द बेरिलियम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजिशन के एन मुताबिक है। सो दीज वाज एडवांटेजेस ऑफ, ये हमने चंद एक का जिक्र किया है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में आपकी टेस्ट बुक में इनकी बहुत ज़्यादा तफसील नहीं है तो इसलिए हमने इसको जस्ट डिस्कस किया है थोड़ा सा कि इसके एडवांटेजेस क्या थे। अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, के मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स क्या हैं, इसके नकायस क्या हैं, इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट इसका डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप, के मेंडलीव ने जो ग्रुप्स तरतीब दिए उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद थे जिनकी प्रॉपर्टीज क्वाइट सिमिलर नहीं थी, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थी, लेकिन उसने उसको एक ही ग्रुप में रखा, जबकि कॉन्सेप्ट ये था कि भाई एक ग्रुप में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। अब हम लिथियम इसका मेंडलीव का फर्स्ट ग्रुप देखते हैं तो उसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर, सीजियम, गोल्ड और फ्रांसियम। अब अगर इन एलिमेंट्स में देखते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, और अगर हम इनको देखते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, सारी की सारी मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। दे डू नॉट अक्कर इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में नहीं यह पाई जाती। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनके मुतल्लक हम देखते हैं दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, के मेटल्स में ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, और इनको हम कहते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइन का मतलब होता है सिक्का, के पुराने जमाने में इनके सिक्के बनाए जाते थे और सिक्का उस मेटल का बनाया जाता था जो डिके ना हो, जिस पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ना हो, जिसकी रस्टिंग ना हो, यानी कि केमिकली रिएक्टिव ना हो, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के साथ वो इफेक्ट ना करे, उसके साथ अमल ना करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया,
जो कि असूल के ख़िलाफ़ था कि एक ग्रुप में वही एलिमेंट्स आने चाहिए थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है। सो दैट इज़ द फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ द मेंडलीज पीरियडिक टेबल, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप क्या है, किसे कहते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स, के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसा हो उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। अब अगर हम मेंडलीव पीरियाडिक लॉ पे गौर करते हैं तो उसमें भाई एटॉमिक नंबर का तो सिरे से जिक्र ही नहीं है कहीं, उसमें तो सिर्फ एटॉमिक मास का जिक्र है और उससे में पता चलता है कि द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एंड द एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डिफरेंट है देन दे बिलोंग्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स, के उनका ताल्लुक मुख्तलिफ एलिमेंट से होगा, वो एक ही एलिमेंट के एटॉमिक मेंबर नहीं है, एक ही एलिमेंट के एटम नहीं हो सकते। तो यहाँ से ये बात वाज़ेह होती है क्योंकि इस वक्त जब मेंडलीव ने यह लॉ पेश किया उस वक्त एटॉमिक नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, दैट वाज कंसिडर्ड लेटर ऑन, और उसी वक्त फिर आइसोटोप्स का एग्जिस्टेंस हुआ और उसी वक्त आइसोटोप्स को एक्सप्लेन किया गया। सो मेंडलीव पीरियडिक टेबल डज नॉट एक्सप्लेन द आइसोटोप्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। उसके बाद आ गया एबनॉर्मल पेयर्स, के मेंडलीव पीरियडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के पेयर्स हैं जिनको मेंडलीव ने जिस एतबार से अपने टेबल में प्लेस किया है वो एटॉमिक मास के एतबार से सही नहीं है। मसलन हम टेलूरियम लेते हैं और आयोडीन, टेलूरियम और आयोडीन का पेयर, मेंडलीव पीरियडिक टेबल में टेलूरियम पहले आता है आयोडीन बाद में आता है। टेलूरियम का एटॉमिक मास 127.6 है, आयोडीन का एटॉमिक मास 126.9 है। अगर एटॉमिक मास देखते हैं तो आयोडीन का एटॉमिक मास कम है उसको पहले आना चाहिए, टेलूरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा उसको बाद में आना चाहिए। तो जब इंडिकेट किया गया कि भाई इनका एटॉमिक मास के अतबार से अरेंजमेंट सही नहीं है तो मेंडलीव का मौक़िफ ये था कि इनकी अरेंजमेंट इसी तरह आएगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह दूसरा पेयर हम लेते हैं कबाल्ट और निकल का, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.93 है और निकल का एटॉमिक मास 58.7 है। बेशक डिफरेंट थोड़ा है लेकिन अगर हम तरतीब देखते हैं तो निकल पहले आना चाहिए और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन मेंडलीव पीरियडिक टेबल में निकल को बाद में लिखा गया और कोबाल्ट को पहले लिखा गया। तो इन पेयर्स को हम कहते हैं मिसफिट पेयर्स। अब ये और भी मिसफिट पेयर्स मेंडलीव पीरियडिक टेबल में मौजूद थे बट मेंडलीव कैन नॉट एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ दिस एबनॉर्मेलिटी, के मेंडलीव इस एबनॉर्मेलिटी की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सका और इसको उस मेंडलीव पीरियडिक टेबल के डिफेक्ट्स में काउंट किया गया कि ये भाई इसका डिफेक्ट है कि इन पेयर्स को ये सेटिस्फाई नहीं करता। सो दैट वाज द डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियडिक टेबल।